लोटस आयुर्वेद इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे दुल्हन बनने से पहले डाइट में शामिल करें ए हेल्दी जूस, बढ़ेगा आपके चेहरे का ग्लो। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन के घंटे बजा दें, जिससे हमारे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। दुल्हन बनने से पहले लड़कियां चेहरे को चमकाने में कोई कसर नहीं छोड़ती हैं, लेकिन कई बार तमाम कोशिशों के बाद भी चेहरा खिला हुआ नहीं दिखता है। दुल्हन बनने से पहले आपको अपनी डाइट में सुधार करने की ज़रूरत होती है। हम आपको खीरा, पुदीना और अदरक से बनी एक हेल्दी जूस की रेसिपी बताएंगे, जिसे पीने के बाद चेहरे पर नूर आने लगेगा। चलिए शुरू करते हैं, इस जूस के बारे में बताते हैं। तो कैसे बनाएं प्री ब्राइडल जूस? प्री ब्राइडल जूस को बनाने के लिए आपको कुछ सामग्रियां जुटानी होगी। इसके लिए सबसे पहले एक खीरे को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। अब आपको अदरक, पुदीना और आधा चम्मच चिया सीड्स लेना है। इन सभी चीज़ों को एक साथ मिला करके आपको मिक्सर में पीस लेना है। इसके बाद आपको इस जूस को एक गिलास में निकाल कर इसमें ऊपर से थोड़ा चिया सीड मिलाना है। चेहरे पर आता है ग्लो। ये जूस त्वचा के लिए कई तरीकों से फायदेमंद साबित होता है। इसे पीने से चेहरे पर प्राकृतिक रूप से चमक आती है। इस जूस को पीने से चेहरे पर ग्लो आने के साथ ही साथ पिंपल्स और रिंकल्स भी कम होते हैं। इस जूस में विटामिन सी और ई की अच्छी मात्रा होती है, जिससे ना केवल चेहरा खिलता है बल्कि कोलेजन भी बढ़ता है। खीरे, अदरक और पुदीना का जूस शादी होने से 15 दिन कम से कम पहले पीने से चेहरा साफ और साथ ही ब्लैक हेड्स भी दूर होते हैं। ये जूस त्वचा को हाइड्रेंट रखने के साथ साथ फ्री रेडिकल से भी छुटकारा दिलाता है। आप 2 महीने पहले भी पी सकते हैं, 1 महीने में पहले पी सकते हैं। आपका प्लान क्या है वो आप पे डिपेंड करता है, बिकॉज चेहरा आपका है कैसा नहीं है वो देख के। अगर चेहरा ज़्यादा ख़राब है तो आप 2 महीने पहले चालू कर देंगे। आप 2 महीने के अंदर चेहरा एकदम आपका चिकना हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा। और कि ये जूस जो है आपको इंटरनल देगा, इंटरनल बेनिफिट होगा, इससे आपके चेहरे पे निखार आएगा। इस जूस को पीने के कुछ और भी फायदे हैं, वो भी आपको बता रहा हूँ। इस जूस को पीने से आपका पाचन तंत्र हेल्दी रहता है, साथ ही साथ पेट से जुड़ी समस्याएं भी कम होती हैं। इस जूस को पीने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है, साथ ही साथ वजन घटाने में भी आसानी होती है। गर्मियों के दौरान इसे पीने से शरीर हाइड्रेट रहता है, साथ ही पेट भी ठंडा रहता है। अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है या फिर डायबिटीज से परेशान है तो भी ये जूस आप पी सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।